एवरीवन सीडीआर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। सो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैरवेल 8 के इस सीरीज में कि किस तरह से आप 404 एरर्स जो होती है आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं अपने कस्टम पेज को बना के। तो मैं इस वीडियो पे सब कुछ डिस्कस करूंगा। इफ आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए तो आपके पास में जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन आती होगी, क्योंकि मैंने लैरावेल अपने सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। सो मैं आशा करता हूँ कि आपसे जो है ये आइडिया है कि किस तरह से आप लैरावेल को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। सो इफ आपको आइडिया नहीं है किस तरह से लैरावेल को इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले आप मेरे उस वीडियो को देखिए जिसमें मैंने आपको लैरावेल इंस्टॉल करने की स्टेप बताई है कि किस तरह से आप लैरावेल को इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में। सो जैसे ही लैरावेल आप इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में तो वो जब इंस्टॉल हो जाएगा तो हम आगे की स्टेप पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो चलिए हम आते हैं इस वीडियो पे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने राउट्स वाले, बेसिकली ये लैरावेल का स्ट्रक्चर है तो इसमें मैं राउट्स पे जाता हूँ। राउट्स पे जाने के बाद में हमारे पास में एक फाइल है जिसका नाम web.php है। तो अभी ये राउट है, आप और भी राउट चाहे तो डिफाइन कर लेते हैं, कर सकते हैं। api.php बेसिकली ये जो होती है ये आपके APIs वगैरह के लिए होती है, ठीक है। आप यहाँ पे चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं। इफ़ आपको लगता है आपके पास बड़ा प्रोजेक्ट है तो मल्टीपल राउट्स की ज़रूरत है, आप नहीं चाहते थाउजेंड ऑफ लाइन्स यहाँ पे लिखें, सो यू वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग कि भाई ये चीज़ यहाँ पे हो ये चीज़ यहाँ पे हो, सो यू कैन ऑल्सो डू दैट, ठीक है। सो आप वो भी काम कर सकते हो यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले भी बेसिक फंडामेंटल की बात करूँगा किस तरह से आप जो है लैरावेल में सबसे पहले व्यू को कैसे लोड अभी हो रहा है, आप किस तरह से व्यू को लोड करेंगे और आप किस तरह से कंट्रोलर पे पास करके भी डेटा को पास करके आप जो है उसको उसे लोड कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं अपने इसी राउट्स वाले में, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ गाइड करता हूँ, ठीक है। अभी हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि लैरावेल हमारा इंस्टॉल है, भाई ये पेज लोड हो रहा है। हमने जब इसको रन किया सिस्टम पे अपने तो देखा कि ये लोड हो रहा है, तो एक पेज बाय डिफॉल्ट आ रहा है जो कि लैरावेल इंस्टॉल होने के बाद में होता है, बट अब हमें यहाँ पे कुछ और भी दिखाना है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ रिसोर्स में। रिसोर्स में जाने के बाद में मैं आता हूँ अपने किसी भी फोल्डर पे, आप चाहे तो फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो मैं जाता हूँ होम में, सपोज मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ, फाइल का नाम रखता हूँ, सपोज मैं रखता हूँ यहाँ पे इंडेक्स ऑलरेडी है तो मैं रख लेता हूँ भाई दो फाइल और क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। एक का नाम रखता हूँ अबाउट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, ठीक है। सो मैंने ये फाइल का नाम रखा अबाउट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। अब मैं एक और बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ कॉन्टैक्ट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे दो फाइल्स बेसिकली क्रिएट की हैं, एक का नाम मैंने रखा है अबाउट, दूसरे का नाम रखा है कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनको हटा देता हूँ मैं अभी, ठीक है, इन पर डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ मैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा लेके चलते हैं हम। सबसे पहला हमारा राउट ऑलरेडी कॉल हो रहा है तो चाहे तो हम सेम वैसा ही फंक्शन बना लें जैसा ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से फंक्शन बना के हम कॉल कर सकते हैं। चलिए हम इसको बना के देखते हैं कि भाई लोड भी हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक फंक्शन बनाया, सॉरी गेट नाम का जो हमारे पास में मेथड है उस पर मैंने रखा। अब उसमें हम चाहते हैं कि सबसे पहले भाई मेरे URL पे अबाउट कोई लिखे तो अबाउट पेज कॉल हो जाए और हमारे पास में कॉन्टैक्ट है वो कॉल हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैंने इसी तरह से रखा, फंक्शन रखा मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन, ठीक है। इनसाइड द फंक्शन मैंने क्या किया यहाँ पे इस तरह से लिखा और ये जब होगा तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे अपना कर्ली ब्रैकेट लगा के इंटर किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ से जब भी आपको पेज लोड करना है तो करना क्या, आपको यहाँ पे लिखना है आपको रिटर्न, आप रिटर्न लिखिए और यहाँ पे व्यू को डायरेक्टली लोड करा दीजिए। सो हमारे पास में कौन सा पेज है, हमें किसे लोड कराना है, क्योंकि हमारा होम के अंदर रखा है तो आपको रखना होगा होम डॉट लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको लिखना है अबाउट, ठीक है, क्योंकि हमको अबाउट पेज को कॉल करना है। तो लिखिए, चलिए हम चलते हैं URL पे चेक करते हैं कि कॉल भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं, ये हो तो रहा है कॉल बट इसमें कुछ डेटा नहीं है। मैं क्या करता हूँ HTML 5 यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई जैसे रियल प्रोग्रामर लिख देता हूँ टाइटल में, रियल प्रोग्रामर अबाउट पेज, ठीक है। सो मैंने भाई ये बना लिया रियल प्रोग्रामर अबाउट पेज। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एक डिव लेता हूँ, डिव लिया मैंने यहाँ पे और इसके अंदर मैंने H1 टैग ले लिया। अब H1 टैग में मैं लिख लेता हूँ अबाउट पेज, ठीक है। अब इसके नीचे मैं क्या करता हूँ एंकर टैब लगा देता हूँ, लेट मी शो यू समथिंग। मैं यहाँ पे गया, मैंने लिखा इधर, यहाँ पे मैं एंकर टैब ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ
इस तरह से यहाँ पे URL सेट करता हूँ, URL लिखा मैंने यहाँ पे और URL पे यहाँ पे सेट कर देता हूँ about, ठीक है। अब सेम मैं क्या करता हूँ, about के साथ दो चीज़ें और लेता हूँ, एक कॉन्टैक्ट के लिए, एक मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन्टैक्ट, यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टैक्ट। सो दोस्तों ये हमने यहाँ पे लिखा कॉन्टैक्ट और अबाउट, मैं इसको सेम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और मैं जाके कॉन्टैक्ट पेज पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। सो अभी हमारे पास में ये पेज है, चलिए चेक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे ही आ गया, बट आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ पे कुछ आया नहीं क्योंकि एंकर टैब में हमें कुछ लिखा ही नहीं, मैंने यहाँ पे लिखा एंकर में। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ कॉन्टैक्ट लिखता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास में यहाँ पे ये राउट से बेसिकली अभी, ठीक है। तो मैं जब क्लिक करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, एक तो अबाउट है, मैं क्लिक करता हूँ ये अबाउट पे ही आ गया, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये कॉन्टैक्ट पे आ गया। तो कॉन्टैक्ट कैसे कॉल हो रहा है अभी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये 404 पेज है तो भाई कॉन्टैक्ट तो अभी हम है ही नहीं हमारे पास में, तो पेज नॉट फाउंड आ रहा है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अब यहाँ पे जाता हूँ, अब ये हम दूसरी इसको हमने ऐसे लोड किया, अब मैं करता हूँ दूसरे तरीके से इसको लोड, ठीक है। मैं यहाँ पे गया, मैंने इसे क्या लिखा, गेट मेथड हमारे पास में है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये फंक्शन थोड़ा सा बड़ा है, काम तो हमारा छोटा सा ही है, हमें व्यू को लोड करना है, तो क्या इतना बड़ा फंक्शन लिखने की ज़रूरत होती है? आप सोचो कि हमें अभी यहाँ पे डायरेक्टली एक स्टैटिक है पेज, ऐसा समझते हैं, उस स्टैटिक पेज में आपको क्या करना है, वो पर्टिकुलर पेज को कॉल करना है। तो लैरावेल में यहाँ पे एक मेथड है जिसका नाम है व्यू, ठीक। मैंने क्या किया, फर्स्ट पैरामीटर हमें यहाँ पे दिया व्यू, सेकेंड हमको URL में क्या दिखाना है, सपोज मैं पुट करता हूँ एज अ कॉन्टैक्ट, मैंने पुट किया कॉन्टैक्ट, सेकेंड पैरामीटर आपका होगा जो आप पेज है आपका, मैंने लिखा अब होम, होम के अंदर मैंने बना रखा है कॉन्टैक्ट, देखें ये काम करता है या नहीं करता। चलिए भाई कर गया, सही है, चलिए। तो इस तरह से आपने डायरेक्टली व्यू को लोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं देखता हूँ फिर से, ये मैं आया अबाउट पे, मैं आया कॉन्टैक्ट पे, बट समझ में नहीं आ रहा अबाउट कौन सा है कॉन्टैक्ट कौन सा, दोनों एक से ही लग रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, कॉन्टैक्ट को ऊपर रख देता हूँ, अबाउट को नीचे कर देता हूँ, एक में एज इट इज़ रहने देता हूँ, तो थोड़ा क्लियर होगा कि हाँ ये अबाउट है ये कॉन्टैक्ट, ठीक है। ऊपर नीचे से समझ में आ जाएगा, देखिए ये URL पे कॉन्टैक्ट है, ये फर्स्ट वाले पे अबाउट है, तो ये आपका राउट इस तरह से काम कर रहा है। तो राउट में हमने दो चीज़ें अभी देखी कि क्या कर सकते हैं आप यहाँ से, कि आप चाहें तो डायरेक्टली फंक्शन बना के इस तरह से लोड कर सकते हैं, डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, URL पे। अब मेथड यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं, कि गेट हो सकता है, पोस्ट हो सकता है, पुलिट पुट हो सकता है, डिलीट हो सकता है, सो बहुत सारी मेथड्स हैं, जो मेथड आप यूज़ चाहें जिस सिचुएशन में चाहें उस टाइम पे यूज़ करें। गेट आपको कब यूज़ करना है, जब आपको पेज लोड करना है, जब आपको डेटा ऐसा है कि आपको इन्फॉर्मेशनल डेटा है आपका, कि आप चाहते हो भाई यूज़र को ना दिखे, आपका डेटा सेव हो जाए डेटाबेस में, या कहीं आप पास कर दो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेटा भेजना पड़ेगा हिडन फॉर्म में। बेसिकली आपको पता ही हो कि गेट पोस्ट पुट डिलीट मेथड क्या है, हम इस पर स्पेसिफिक वीडियो भी बनाएंगे। आपको लगता है कि आपको ये जानना है कि गेट क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, पूरे ब्रीफ में पूरा कितना क्या हो सकता है उसमें, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो आप क्या करना कि कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो जो भी आपको डाउट है, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको गेट ही मेथड यहाँ पे बता रहा हूँ किस तरह से आप पेज को लोड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पेज यहाँ से लोड हो गया। अब जब ये पेज लोड हो गया तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ देखते हैं कि मान लीजिए मैं चाहता हूँ URL पे कुछ पास करूँ और मेरे को यहीं पे रिटर्न हो जाए, तो आप क्या करोगे, जैसे मेरे पास में अबाउट है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे ही मेरे पास कुछ आप कुछ पास कर दो और मैं यहीं पे प्रिंट कर दूँ। सपोज़ मैं मानता हूँ कि आप वहाँ से कोई नंबर पास कर रहे हो, ठीक है, मैं मानता हूँ आपने एक नंबर भेजा है, जैसे ID वगैरह आपने भेजा है, ठीक है, कुछ भी एक ID भेजी आपने, यहाँ पे आपको फंक्शन के अंदर यहाँ पे इस तरह से लिखना होगा और यहाँ पे आप जाके उसको रिटर्न करा लो। तो हम क्या करते हैं, ऐसे रिटर्न कराते हैं, भाई क्या रिटर्न कराया मैंने यहाँ पे, अब हमारे पास जो ID है, ठीक है, सो हमने यहाँ पे इस तरह से ID को रिटर्न कराया। तो चलिए देखते हैं होता क्या है, अभी मैं डायरेक्टली अबाउट को करता हूँ, तो पेज नॉट फाउंड आया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में पैरामीटर है, आप देखो यहाँ पे 1 हो गया। तो इस तरह से आपने डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को डायरेक्टली यहाँ पे भेज सकते हो, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, आपका टेक्स्ट भी सपोर्ट कर रहा है, आपका न्यूमेरिक भी सपोर्ट कर रहा है, तो इस तरह से आप URL पे पास कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गेट। अब मैं चाहता हूँ भाई कि मेरा कंट्रोलर और फंक्शन कॉल हो, तो दोस्तों लैरावेल में क्या हो गया है इस वाले वर्जन पे, कि आप जब भी कंट्रोलर या फंक्शन को कॉल करेंगे तो सबसे पहले आपको यूज़ करना पड़ेगा नेम स्पेस का। नेम स्पेस क्या होता है, कि सपोज आपने कुछ कहीं पे कुछ रखा है, कोई फाइल है, तो उस फाइल का एक तरह से समझे यहाँ पे पाथ आपको डिफाइन करने है, भाई ये पाथ है, और उसके बाद आपको उसको कॉल करना है। क्या कॉल करना, उसके कंट्रोलर को लिखना है, कंट्रोलर उसकी एक क्लास है,
फिर उसके अंदर एक फंक्शन होगा, उस फंक्शन को कॉल करना है। तो ये एक बेसिक स्टैंडर्ड होता है कि किस तरह से आपको कंट्रोलर और फंक्शन के थ्रू आप अपने क्लास को कॉल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो ये पेज है ये लोड हो रहा है, ठीक है, ये काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कि कंट्रोलर क्रिएट करना है, और कंट्रोलर क्रिएट करने के बाद में उस कंट्रोलर को कॉल करना है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी आपको सपोज मैं देखता हूँ मेरे पास ऑलरेडी कंट्रोलर शायद क्रिएटेड है। सो इफ आपको आइडिया नहीं, बहुत बेसिक है, मैं वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे कमांड में क्रिएट नहीं कर रहा हूँ मैं, आप इसको रन करोगे हो जाएगा। पीएचपी आर्टिशन, यहाँ पे आप लिखना मेक, यहाँ पे लिखो कंट्रोलर, और भाई कंट्रोलर का नाम सपोज मैंने ब्लॉग कंट्रोलर यहाँ पे लिखा, आप हिट मारो कंट्रोलर क्रिएट हो जाएगा ऐसे, जो ये दिख रहा है आपको, ठीक है। इस पर मैंने कुछ कर रखा है तो इसको मैं अभी जो है एज इट इज रखा रहने देता हूँ, ठीक है। सो अभी हम जाते हैं कंट्रोलर पे। तो अब क्या करना पड़ेगा, ये मान लीजिए कंट्रोलर आपने कराया ऐड किया, तो ये जो पाथ आपको दिख रहा है ये यूज़, ये कंट्रोलर कहाँ रखा है आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ये लाइन ज़रूरी है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, लेवल 8 की बात हो रही है, 7 में क्या होता था, 6 में क्या होता था, आप डायरेक्टली यहीं से कॉल कर देते भाई ये कंट्रोलर ये फंक्शन कॉल हो जा, तो आप कर सकते थे, बट यहाँ से आपको नेम स्पेस का यूज़ करके ही करना पड़ेगा, ठीक है। सो हमने यहाँ पे डिफाइन किया, डिफाइन करने के बाद क्या किया हमने, अब हमें भाई ये कॉल करना है, तो ये कंट्रोलर है हमारा, ये फंक्शन है, अब इसको कॉल करना है। तो किस तरह से कॉल करोगे हम, चलिए हम देखते हैं सबसे पहले। तो सपोज आपने वहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक, अब क्या करना है आपको, जब वो यूज़ हो जाए तो आप सपोज यहाँ पे हमारे पास में राउट है, मैं यहाँ पे एक अलग से राउट क्रिएट करता हूँ, राउट लिया मैंने, इस राउट में मैं चाहता हूँ गेट मैथड हो, ठीक है। अब गेट मैथड में क्या चाहते हो आप, कि आपका कंट्रोलर और फंक्शन कॉल हो, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पहले वाले में जिस तरह से हम अभी देते आए हैं, सपोज मैं लिखता हूँ डायरेक्टली अबाउट, अब यहाँ पे अबाउट में ऊपर वाले में पैरामीटर्स हम भेज रहे हैं, अभी ये वाला हम छोड़ते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली भाई अबाउट लिखें, तो भी 404 आ रहा था, चाहते हैं कुछ कॉल हो जाए, कॉल क्या हो जाए, हम जो क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है, इसको एज अ एरे रखना, ध्यान रखना। तो हमारा जो कंट्रोलर है, अब यहाँ पे कंट्रोलर का नाम पुट करो, यहाँ पे ऐसे लिखो, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है ये, यहाँ पे क्लास लिखो, फिर उसके बाद आपको कॉमा फिर से लिखना है, और इसमें सिंगल कोट्स कॉमा में आपको पुट करना है कि भैया सिंगल कोट्स में आपको पुट करना है कौन से फंक्शन को कॉल करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, जा रहा हूँ यहाँ पे लिख रहा हूँ अबाउट, भाई हमने अबाउट नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर रखा है, आप जाइए और उसको कॉल कर दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं अबाउट है भी या नहीं है, देखा मैंने अबाउट तो नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, क्रिएट कर लेते हैं पब्लिक फंक्शन अबाउट, मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हिट मारा, ये हो गया, ये क्रिएट हो गया, फंक्शन हमने बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ, तो मैंने लिखा रिटर्न व्यू, ठीक है। अब रिटर्न व्यू में यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जो आपने पेज बनाया, तो ध्यान रखना कि हमारा पेज बना है, व्यूज़ के अंदर हमने एक होम नाम का फोल्डर क्रिएट किया, इस होम नाम फोल्डर के अंदर हमने पेज रखा हुआ है, तो ये पेज है। अब चलो चेक कर लेते हैं, ये हमारा पेज था, देखो ये कॉल हो गया, ये हमारा फंक्शन है, हमारा कॉल हो गया, ये पेज है। अब हाँ, यहाँ तो हम पैरामीटर्स प्रिंट कर रहे हैं, तो ये तो हो ही रहा है, उसको छोड़ो, ये हमारा कंट्रोलर है, देखें। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, ये कंट्रोलर को कॉल कर रहे हैं, तो इस कंट्रोलर से हम जो भी चाहें यहाँ से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज मेरे पास में रिक्वेस्ट आ रही है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई रिक्वेस्ट, सपोज हो सकता है यूआरएल से आप कुछ भेज रहे हो, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे लिखूँगा रिक्वेस्ट, सपोज मैंने ऐसे ही लिख लिया रिक्वेस्ट, आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, आप ऐसे फुल रख सकते हो, चलो फुल लिख लेते हैं, ठीक है। मैंने लिखा भाई रिक्वेस्ट, अब रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है, मैं चाहता हूँ यहाँ से कुछ रिक्वेस्ट आए, अब हम उसको प्रिंट करें, तो मैं क्या करता हूँ, और इसको एज इट इज़ रहने दो, ठीक है। आप यहाँ पे गेट यूज़ किए हो, फॉर्म जब बनाओ तो पोस्ट कर लेना, अभी मैं गेट रखता हूँ, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे ये रखा, हमारे पास में ये डेटा है, आप ये चाहता हूँ मैं कि आप यूआरएल पे जो भेजो मैं उसको प्रिंट करूँ, तो मैं सपोज़ यहाँ से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आप वहाँ से नेम भेज रहे हैं, मैं इसको इको करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ अभी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी यूआरएल्स में यहाँ पे अब मैं गेट पैरामीटर के थ्रू नेम भेज रहा हूँ, तो आपको लगाना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क, नेम इक्वल टू मैं लिखता हूँ सिद्धार्थ मेरा नाम है, ये देखो दोस्त भाई ये प्रिंट हो गया सिद्धार्थ, आप जो चाहो वहाँ पे प्रिंट करो, मैं जूम कर दूँ आपको, ये देखो यहाँ पे यूआरएल पे हमने लिखा सिद्धार्थ, मैं स्पेस दिया, मैंने लिखा भाई शुक्ला, ये प्रिंट हो गया। मैं यहाँ पे जाता हूँ फिर से लिखता हूँ रियल प्रोग्रामर, ये हो कैसे रहा, हम गेट मेथड यूज़ कर रहे हैं और उसके थ्रू हम डेटा को प्रिंट कर रहे हैं, तो ये देखिए दोस्तों ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है। सो इस तरह से आप यहाँ पे जाके प्रिंट कर सकते हैं, ये काम करेगा, ठीक है। अब ये तो हो गया किस तरह से आप राउट्स को कॉल करेंगे, राउट्स के बारे में आपको ब्रीफ में और जानना है तो आप क्या कीजिए, इसकी वेबसाइट है
लैरवल की, आप राउटिंग में जाइए, बहुत सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करने के लिए बहुत लंबा हो सकता है वीडियो। तो मैंने आपको एज अ बेसिक बताया कि किस तरह से आप इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से मेथड है, हमारे पास में गेट है, पोस्ट है, पुट है, डिलीट है, पैच है, ऑप्शन है, यहाँ मल्टीपल मेथड दी हुई हैं, आप इनको इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं, आप यहाँ पे मैच करा सकते हैं भाई कि कौन सी मेथड है, गेट है या पोस्ट है, आप उसके बाद आप फंक्शन के अंदर जो है इस फंक्शन के अंदर जाने दे सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी आप चाहते हैं कोई एक्स वाई जेड कुछ भी आए, कोई मेथड हो, तो आप फंक्शन आपका कॉल हो जाए, तो आप यहाँ से पास कर सकते हैं, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, आप जब भी कॉल करेंगे CSRF प्रोटेक्शन आपको डिफाइन करने पड़ेगा किस किस मेथड में। हमारे पास मेथड है पोस्ट है, पुट है, पैच और डिलीट। CSRF क्या होता है, स्पेसिफिक वीडियो भी बनाएंगे उसके, ठीक है। तो अभी आप बस ये समझ जाओ कि जब भी आप करोगे यहाँ पे CSRF आपको देना पड़ेगा, बेसिकली टोकन जनरेट करने के लिए होता है, ठीक है। सो ये हो गया, अब रिडायरेक्ट करना है आपको, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रिडायरेक्ट लिख देना है, आपका पेज ये हिट होगा तो डायरेक्टली इसको कॉल कर देगा। तो ये रिडायरेक्ट, ये राउट्स में आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो रिडायरेक्ट वाला भी, ठीक है। यहाँ से व्यू हमने देखा, ये हमने किया, पैरामीटर भी हमने देखा, ये आप कर सकते हो, यहाँ से हमने ये भी चेक किया, अभी ये काम कर रहा है। तो यहाँ से जाके ऑप्शनल है ये कि इस तरह से ऑप्शनल दे सकते हो। रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करना है कि भाई URL में भी हमने देखा नेम भी पुट कर रहा है, नंबर भी पुट कर रहे हैं, सब प्रिंट कर रहा है, बट आपको अभी करना है कि स्पेसिफिक नंबर ही प्रिंट हो 0 to 9 या पर्टिकुलर किसी डिजिट के थ्रू, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो वो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ उसी को कॉल करेगा और कुछ कॉल नहीं होगा, ठीक है। सो आप देखेंगे यहाँ पे हमने मल्टीपल इस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशंस भी आप डिफाइन कर सकते हो, ग्लोबल कॉन्स्टेंट्स है, आप ये चाहे तो इस तरह से पैटर्न्स भी बना सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे काफ़ी कुछ ऑलरेडी दिया हुआ है। नेम राउट्स क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट होता है, जब भी अभी हमने देखा होगा आपने यहाँ पे, अभी हमने क्या किया, जैसे इस तरह से कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ यहाँ पे URL पे कुछ और लिखा है, सपोज़ मैं चाहता हूँ यहाँ पे लिखा मैंने नेम, ठीक है, मैंने लिखा नेम, नेम में मैं चाहता हूँ भाई कि नेम लिखा हुआ है कि अबाउट में लिख दूँ यहाँ पे बस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ से भी आप कॉल कर रहे हो, जैसे ये पेज है, तो यहाँ पे लिख दो राउट और यहाँ पे इसका नाम। तो देखिए चलते हैं कि कॉल करेगा नहीं करेगा, मैं जाता हूँ अबाउट पे, अबाउट, और आई थिंक सो हम इसको लोड नहीं कर रहे हैं क्या ये पेज को, हाँ अभी हमने कमेंट कर दिया था, ठीक है, मैंने इसको कमेंट अनकमेंट कर देते हैं। सबसे पहले मैं गया, ये आ गया, मैं गया 0, अब ये हो गया। अभी आप देखो राउट्स यहाँ पे क्लिक किया हमने, ये अबाउट पे आ गया फिर से। तो यहाँ से आप चाहें तो URL डिफाइन करें या तो आप राउट लिख सकते हैं। जब भी आप यहाँ पे राउट लिखा देखें, इसका मतलब आपको क्लिक करना चाहिए भाई ये यहाँ पे नेम डिफाइन कर रखा है। तो आप कभी कभी देखोगे कि आपके प्रोजेक्ट में कुछ लोगों ने इस तरह से यूज़ किया था राउट या तो URL, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप तुरंत समझना भाई राउट यूज़ हुआ है तो नेम यूज़ हुआ होगा, यहाँ पे URL है इसका मतलब पहला पैरामीटर पास हुआ होगा। तो इस तरह से आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो भाई यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो आपको जो लग रहा है यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं, आपको और भी इसको आप देखो ब्रेक में देखो, और जहाँ भी लगता है यहाँ पे आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ऐसा करो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उसमें स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।